Hello everyone, welcome to MRM's kitchen. I hope you all are fine. Our today's recipe is restaurant style chicken manchurian. आप लोग यकीन करें ये बहुत ही कोई मज़े का बना था, जितना ये शक्ल से मज़े का लग रहा है ना उतना ही ये टेस्ट में भी बहुत ही मज़े का था. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों की ये रेसिपी कैसी बनी. तो बस हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी. यहाँ पे मैंने ली है 500 ग्राम चिकन, जिसको मैंने क्यूब्स या स्ट्रिप्स जिसमें भी आप चाहें काट लें. इसके अंदर सबसे पहले इंग्रेडिएंट डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, 1 एग मैंने इसमें डाला है. यहाँ पे मैंने ऑल पर्पज़ फ्लावर लिया है 1 टेबलस्पून, 1/4 कप मैंने इसके अंदर डाला है कॉर्नफ्लावर. इसमें मैंने डाला है सॉल्ट, ब्लैक पेपर डाला है 1 टीस्पून, विनेगर डाला है 1 टेबलस्पून और सोया सॉस डाला है 1 टीस्पून. ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैं सबसे पहले चिकन के अंदर डाल दूंगी और उसको मैरिनेट करने के लिए रख दूंगी एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर और 1 आवर. एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए तो आप इसको रख दीजिएगा ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स का टेस्ट भी आ जाए और जब हम इसको फ्राई करें तो हमारी चिकन जो है बहुत ही क्रिस्पी बने. आप इसको मंचूरियन के अलावा भी एज अ फ्राइड चिकन भी यूज़ कर सकते हैं. सिर्फ उसको मैरिनेट करें और इसको फ्राई करें और सॉस के साथ इन्जॉय करें. तो यहाँ पे मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए थे, इसको मैंने मैरिनेट कर दिया था. जब 1 घंटा हो गया तो फिर मैंने इसको गरम तेल में जल्दी जल्दी सारे फ्राई कर लिए. जब इस पर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो मैं इसको डिश आउट करूँगी. देखें अभी ये फ्राई हो रहे हैं और अब इन पर बहुत प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया है. दैट्स मीन के मेरी चिकन जो है वो फ्राई हो चुकी है. मैं इसको करूँगी डिश आउट. मैंने इस टाइम भी इसको खाकर देखा था, बहुत ही कोई मज़े की थी मेरी क्रिस्पी चिकन. दिल तो चाह रहा था ऐसे ही खा लूँ लेकिन मुझे मंचूरियन बनाना था तो फिर मैंने इसको साइड पर रख दिया. चलें भैया हम बनाते हैं मंचूरियन. सबसे पहले मैंने इसमें ऑयल लिया जिसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक डाले थे. जब ये थोड़े गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 ग्रीन चिलीज. ओके जी, अब ये मेरे हो रहे हैं गोल्डन ब्राउन. अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ग्रीन चिलीज और सिर्फ 1 मिनट ही मैंने इसको फ्राई किया था, बहुत देर फ्राई नहीं किया था. ये मेरी ग्रीन चिलीज भी फ्राई हो चुकी हैं. अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अपनी जो वेजिटेबल्स थी. सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 कैप्सिकम्स जिसको मैंने इस तरीके से क्यूब्स में काट लिया था और 1 अनियन लिया है मैंने, उसको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया था. इसको भी मुझे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना क्योंकि मुझे क्रिस्पी सा ही रखना है चिकन को भी और वेजिटेबल्स को भी. तो बस मैंने कुछ सेकंड्स ही इसको जस्ट मैंने सौते किया था. और फिर अब मैंने इसके अंदर इन्ग्रीडियंट्स डाले हैं. 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर पाउडर डाला है, ऑस्टर शाइन सॉस जो होता है मैंने वो डाला है इसमें 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर सिरका डाला यानी कि विनेगर, 1 टीस्पून मैंने सोया सॉस डाला है इसमें, 6 to 7 टेबलस्पून मैंने चिली गार्लिक सॉस डाला. इन सब चीज़ों को मैंने मिक्स किया और इसका मेन इंग्रेडिएंट यानी कि जो कि हमारा केचप है वो हम इसके अंदर 1/2 कप डालेंगे. इसमें सॉस जो है वो बेसिकली बनता ही केचप से है. तो अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा जो है वो डालना हो तो आप इसके अंदर स्पाइसेस थोड़े बढ़ा के केचप इसके अंदर पूरा 1 कप डाल दीजिएगा तो आपकी क्वांटिटी जो है वो फिर ज़्यादा हो जाएगी. यहाँ पे मैंने केचप फुल मिक्स कर दिया है. अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अपनी फ्राइड चिकन. ये मैंने फुल फ्राइड चिकन जो है वो इसके अंदर ऐड कर दी. इसको मैंने मिक्स किया मीडियम से भी लो आंच जो होती है मैंने उस पर रखा हुआ था इसको, ताकि मेरे जो वेजिटेबल्स और चिकन है वो क्रिस्पी ही रहे. इसमें मैंने 3 टेबलस्पून स्प्रिंग अनियन ऐड किया है. इट्स टोटली ऑप्शनल, अगर आप लोगों को ऐड नहीं करना तो नहीं कीजिएगा. अच्छा जी, अब लास्ट में मैं इसके अंदर डालूंगी 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर जिसको मैंने पानी के अंदर डिसॉल्व कर लिया था. ये मेरा लास्ट इंग्रेडिएंट है. इसके अंदर मैं इसको डालूंगी, मिक्स करूंगी और बस कुछ सेकंड्स के लिए ही मिक्स किया, फिर उसके बाद मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था और मेरा चिकन मंचूरियन बिल्कुल रेडी है. इसका टेस्ट यकीन करें बहुत ही मज़े का था. मेरे घर वालों को तो बहुत पसंद आया और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए मैं रिकॉर्ड कर लूँ इसको. तो आप लोग इसको जल्दी जल्दी अपने घर में बनाएं, घर वालों को खिलाएं, मेहमानों को खिलाएं और हमें बताएं कि आप लोग हमारी रेसिपी कैसी लगी.
मैंने इसको सर्व किया था बॉयल्ड राइस के साथ, आप इसको सर्व कर सकते हैं स्प्रिंग अनियंस के साथ या फ्राइड राइस के साथ। मैं दोनों की रेसिपी के लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं स्प्रिंग अनियन राइस की रेसिपी भी और फ्राइड राइस की रेसिपी भी। मैं यूजुअली इसको बॉयल्ड राइस के साथ ही सर्व करती हूँ क्योंकि वेजिटेबल्स और चिकन दोनों जो है वो हमारे मंचूरियन में होता है। चलिए जी, फिर मिलती हूँ मैं अगले हफ्ते एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।